आज का टॉपिक टिक्नोमेंट्री जेएनयू 2004। जैसा कि आप जानते हैं कि मावला क्लासेस जेएनयू निमसेट एमसीए के सबसे अच्छे अच्छे एग्जाम के एनालिसिस करती है। आज की सीरीज में या अभी की जो सीरीज है जेएनयू की सीरीज है, जेएनयू के सारे टॉपिक को और ईयर वाइज शुरुआत से हम लोग एनालिसिस कर रहे हैं। आज 2004 के सारे क्वेश्चंस को, टिक्नोमेंट्री के सारे क्वेश्चंस को यहाँ पर डिस्कस करेंगे। जितने क्वेश्चंस यहाँ आए होंगे उस एग्जाम में, उन सारे क्वेश्चंस को बारी बारी से उठाते हैं और बारी बारी से डिस्कस करते हैं। कॉन्सेप्ट और उसके शॉर्टकट भी डिस्कस करते हैं। जो पहले से अवेयर हैं वो उनको पता ही है, और जो पहली बार अगर जुड़ रहे हैं या पहली बार वो देख रहे हैं इस एनालिसिस को, तो वो पूरे लास्ट तक अगर देखेंगे तो उन्हें कुछ ना कुछ अच्छे मैथड और शॉर्टकट मिलेंगे। पहला क्वेश्चन हम लोग लेंगे 2004 का, अ ट्राइंगल ए बी सी, द एंगल ए इज ग्रेटर देन द एंगल बी, द वैल्यूज ऑफ एंगल सेटिस्फाइड दिस इक्वेशन दी गई है 3 sin x - 4 sin 2x - k, और k की वैल्यू 0 और 1 के बीच में लाई कर रही है। तो एंगल सी, कहने का मतलब ट्राइंगल है, ट्राइंगल में तीन एंगल होते हैं ए बी सी। एक ऐसी इक्वेशन दी गई है जो ए और बी दोनों एंगल उसको सेटिस्फाइड करते हैं, तो एंगल सी की वैल्यू निकालनी है। आगे देखेंगे कि कितने आसानी से इस सी की वैल्यू निकालेंगे, वो नेक्स्ट स्टेप में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। कुछ बेसिक से स्टेप हमने पहले से लिख रखे हैं, आप उनको ध्यान दें। साइन 3 थीटा का अगर फॉर्मूला आप देखेंगे, आपको याद अगर होगा, अगर नहीं भी याद है तो यहाँ पर लिखा है 3 sin θ - 4 sin³θ। इस एक्सप्रेशन या इस इक्वेशन को, जिसको यहाँ पर हमने दोबारा लिखा है 3 sin x - 4 sin³x और माइनस k, इसकी वैल्यू को हमने यहाँ पे जीरो अगर दिखाते, मतलब ये स्टेप कैसे आया है, एक बार ध्यान दें कि 3 sin x - 4 sin³x - k बराबर जीरो, तो 3 sin x - 4 sin³x = k हो जाएगा। इतनी बात समझे कि नहीं? तो उसी टर्म को अब हम लोग यहाँ पे क्या कर देते हैं, इसको k लिख देते हैं, और जो ये लिखा गया है, मतलब इस स्टेप को यहाँ पे दोबारा से लिखा गया है k = sin³x। अब उसने बोला, इस लाइन को पढ़ें कि सेटिस्फाइज करते हैं, क्या सेटिस्फाइड करते हैं, एंगल ए और एंगल बी ग्रेटर है। एक बात ध्यान रखें, ये इससे हम एक नई बात, एक नया कॉन्सेप्ट यहाँ पे निकल के आएगा कि ए ग्रेटर देन बी, मतलब जो आप गलती करते हैं, जनरली आपके साथ गलती होने वाली है, उस गलती को, गलती ना हो ये वाला कंडीशन आइडेंटिफाई करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट, लिख लें उसको कि एंगल ए ग्रेटर देन एंगल बी है। और उसने बोला कि वैल्यूज एंगल सेटिस्फाइड द इक्वेशन, तो कहने का मतलब है कि जो k = sin³x आया तो ए सेटिस्फाइड करेगा, तो k = sin³ आ गया, और sin³ भी बराबर k आ गया। अब देखा जाए तो k बराबर हो गया, तो sin³ a = sin³ भी आ गया। अब अगर आप इनिशियल लेवल पे हैं तो 3a = 3b कर देंगे और a = क्या कर देंगे, b, जो हमारी मेजर सबसे बड़ी मिस्टेक होगी, ये हमें नहीं करनी है, क्योंकि एंगल a = b नहीं दिया गया है, a > b किया गया। तो आप sin³a = sin³b तो हुआ, बट a = b नहीं आएगा, तो आएगा क्या वो ध्यान देना है, क्या आएगा वो ध्यान देना है। देखिए sin³a = sin³b है, इसको हम लोग इसलिए नहीं काट पा रहे हैं क्योंकि ये दिया गया है कि a > b, तो यहाँ लिखेंगे sin π - 3b। अब आप तो 3a = π - 3b, तो a 3a + 3b = आ गया पाई, तो a + b = आ गया π/3। अब जैसा कि आप जानते हैं कि ट्राइंगल है, तो ट्राइंगल में तीनों एंगल का सम बहुत ही ईजी, बहुत ही आसान सा है कि तीनों एंगल अंता कोणों का योग 180 पाई होता है, जहाँ पर दो एंगल का सम π/3 मतलब 60 हो गया है, तो सी जो होगा इन दोनों का सम इधर जाएगा, तो π - π/3 करेंगे, आप कैलकुलेशन कर चुके होंगे 2π/3, एंगल सी जो आएगा वो 120 डिग्री या 2π/3, ऑप्शन कहाँ पर है, बी ऑप्शन। जो बात के लिए हमने मना किया है, मुझे उम्मीद है कि अगर आपने ये सोल्यूशन देखा होगा तो इस स्टेप को आप नहीं करेंगे, रिपीट नहीं करेंगे, इसीलिए क्वेश्चन ये बनाया गया था, इसी स्टेप की वजह से ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी देखेंगे, एनालिसिस हो सकता है कि आपके पास सोल्यूशन हो, एनालिसिस क्यों की जा रही है, कौन सी बात को से आप कन्फ्यूज़ हो सकते हैं,
ये बात बहुत इंपॉर्टेंट होती है। बने रहिए मावला क्लासेस के साथ शॉर्टकट और अच्छी अच्छी बातों के लिए। आगे देखते हैं नया क्वेश्चन। यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन को हम लोग कंसीडर कर रहे हैं, इंपॉर्टेंट है, बहुत बार आया है जेएनयू का 2004 का ये क्वेश्चन है। 1/sin 10° माइनस √3/cos 10° इज क्या, वो 2 होगा या 4 होगा, 2√2 होगा, नन ऑफ दीज होगा। 10° को जब हम यूज़ करते हैं तो हमें पता ही नहीं कि 10° क्या है, तो इसलिए हमें अकवर्ड लगता है। सोल्यूशन लास्ट तक देखेंगे, बहुत ही ईजी है, ऐसा टफ नहीं है एज सच। तो नेक्स्ट स्टेप में हम लोग डिस्कस करते हैं सोल्यूशन को। एक बार सोल्यूशन को देखते हैं। यहाँ पे हमने क्या किया कि सिंपल देखिए एलसीएम ले लिया, sin 10° और cos 10° को एलसीएम लिया गया। जब एलसीएम लेंगे तो cos 10° यहाँ पे चला जाएगा, तो cos 10° आ जाएगा और sin 10° यहाँ पे आ जाएगा, तो ये आ जाएगा। ठीक है, इतना स्टेप आपका क्लियर हो गया होगा। सिंपल आपने इंटीग्रेशन सिंपल इसने आपने क्या किया है, सोल्यूशन निकालने के लिए एलसीएम लिया। आगे बढ़ रहे हैं, देखिए यहाँ से 2 कॉमन ले लिया गया और यहाँ पर 2 मल्टीप्लाई और डिवाइड किया गया। आपको पता ही है कि साइन 2 थीटा बराबर 2 साइन थीटा और कॉस थीटा बनाने का प्रयास कर रहे हैं, और साइन ए माइनस बी बराबर साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। इन दो फॉर्मूले को हमें, जो हमने आपके सामने लिखे हैं, वही फॉर्मूले को बनाने के लिए प्रयास कर रहे हैं। आपके सामने स्टेप दिखाए हैं कि आप हो सकता है कि समझ ना पाएँ। तो 2 को कॉमन लिया, तो देखिए यहाँ पे 2 कॉमन लेंगे तो यहाँ 2 नहीं है, तो 1/2 आ गया, 1/2 cos 10° और यहाँ √3/2 sin 10°। ये बात क्लियर हुई, हो गई। यहाँ पे 2 और 1/2 का मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया गया। देखिए ये आगे ऊपर आगे चला जाएगा तो 4 आ गया। 1/2 को साइन ए कॉस बी कॉस ए साइन बी, तो 1/2 ऐसी कौन सी साइन थीटा की वैल्यू है, तो sin 30° की वैल्यू है, sin 30 cos 10 माइनस cos 30 sin 10 अपान, देखिए 2 sin थीटा cos थीटा sin 20, और ये 2 क्या है, इधर चला गया। ये सारे स्टेप्स, ये स्टेप और ये स्टेप को आप सॉल्व कर सकते हैं। आगे हम लोग सीधे सीधे फॉर्मूला लगाने वाले हैं। देखिए साइन ए कॉस बी कॉस ए साइन बी sin 30 माइनस 10, अब आप जान गए होंगे sin 20 और sin 20 कट गया, आंसर 4 आ गया, बी ऑप्शन सही है। इतना आंसर किया गया है, एक्सप्लेन किया गया है आपको बताने के लिए, इतना टाइम लिया गया, अदरवाइज क्वेश्चन बहुत ईजी था, बहुत ईजी। आगे वाला क्वेश्चन भी लेंगे, एक ईजी क्वेश्चन चलिए देख लीजिए, बहुत ही ज़्यादा टफ नहीं है, इसलिए आसानी से हम लोग यहाँ डिस्कस करने वाले हैं। 10a = 1 - cos b / sin b, तो देखिए कर क्या रहे हैं, cos b को हमने जो फार्मूला है हाफ एंगल फार्मूला, उस फार्मूले को लिखा है 1 - 2 sin² b/2, आपको ये फार्मूला पता होगा, और sin b = 2 sin b / 2 cos b / 2। जो छोटे छोटे फार्मूले हैं आप उनको रिवाइज कर लें। आप यहाँ पे लिखा गया है, आपको पता ही होगा, हमने फार्मूला अप्लाई किया है cos 2θ = 1 - 2 sin² θ और sin 2θ का भी फार्मूला लिखा है। इन फार्मूलों को यूज़ करके यहाँ पे रखें, देखिए 1 माइनस, तो यहाँ पे ये फार्मूला रखेंगे तो 1 प्लस हो जाएगा 2 sin² b/2 / 2 sin b/2 cos b/2। 1 से 1 कैंसिल 2 से, देखो इस 1 से ये 1 चला गया, राइट, 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो ये 2 से ये 2 कैंसिल हो गया, ओके, और sin² b/2 में ये स्क्वायर जो है इससे चला गया, तो यहाँ sin b/2 बचा, sin b/2 अपॉन cos b/2 जब आप करते हैं तो आपको पता है sin θ / cos θ tan θ होता है। ठीक, अब इसके आगे कैसे सॉल्व करेंगे, जनरल सी इक्वेशन यहाँ लिखी गई है, जनरल सोल्यूशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन के जो जनरल सोल्यूशन होते हैं उसमें एक सोल्यूशन है tan θ / tan α है, तो जनरल सोल्यूशन होता है θ/nπ + α। ऐसे साइन थीटा के लिए भी होता है और कॉस थीटा के लिए होता है, जहाँ जरूरत पड़ेगी उसको एक्सप्लेन करेंगे, तो यही यहाँ पर लगाने वाले हैं। देखिए tan θ / tan α, तो θ लिखा गया है, तो यहाँ पर a लिखा जाएगा nπ + जो अल्फा है वहाँ b/2 है, तो b/2। अब देखिए हमें एंगल b की वैल्यू पता करनी है, तो b/2 बारा हो जाएगा a - nπ। अगर ऑप्शन मैच कराना चाहें तो 2 times a - nπ, तो ऑप्शन नंबर ए ना होके सी ऑप्शन सही होगा। ठीक है, आगे देखते हैं, अच्छे क्वेश्चंस अगर होंगे तो डिस्कस कर रहे हैं हम लोग आगे भी। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग कंसीडर करेंगे, इन अ ट्राइंगल द लेंथ ऑफ 2 लॉन्गर साइड्स आर, लेंथ जो लॉन्गर साइड्स हैं उनकी लेंथ दी गई है 10 और 9, मतलब एक ट्राइंगल है उसकी दो जो सबसे बड़ी भुजाएं हैं उनका लेंथ दिया गया है, और इफ़ एंगल्स आर इन AP मतलब अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस, तो तीनों जो एंगल है वो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को फॉलो कर रहे हैं, और लेंथ दो साइड्स की दी गई, लेंथ ऑफ थर्ड साइड्स, तो तीसरी भुजा की लेंथ निकालनी है, क्या वो 5√6 होगी, 5 होगी, 3√2 होगी, ऑन एन ऑफ दीज,
तो हम लोग यहाँ देखेंगे कि इस डेटा से साइड्स की थर्ड साइड की लेंथ कैसे निकालते हैं। आगे देखते हैं आगे नेक्स्ट स्टेप में। तो यहाँ पे जैसी कंडीशन दी है उस तरीके से हम लोगों ने ट्राइंगल और कंडीशंस को सपोज किया है। एंगल सारे नेपी, तो एक एंगल ए माइनस डी माना है, एक ए लिया, एक ए प्लस डी लिया, तीनों का सम 180 डिग्री के बराबर है, क्योंकि ए पी में जब भी ए पी कंडीशन लगाते हैं तो ए माइनस डी, ए और ए प्लस डी, इस तरीके से आप नंबर्स को एंगल्स को कंसीडर कर सकते हो। अब ट्राइंगल के एंगल हैं तो एंगल का सम 180 डिग्री होगा, डी से डी कैंसिल हो गया, तो ए 3a बराबर 180, तो a बराबर 60। अब देखिए ध्यान दें, जैसा कि डेटा दिया गया है टू लॉन्गर साइड्स, तो हम मान लेते हैं कि एक साइड 10 है, एक 9 है और एक x मान लेते हैं। ये ध्यान रखें कि दो ये दोनों साइड्स कैसी हैं, बड़ी हैं, लेंथ में बड़ी हैं, तो इनके सामने का सबसे बड़ी साइड यही है, तो इसके सामने का जो एंगल होगा सबसे बड़ा होगा, तो a प्लस डी माना गया, ठीक है। उसके बाद 9 जो ये भी लॉन्गर साइड में कंक्लूड हो रही, तो a माइनस डी सबसे छोटा होगा, यहाँ देखिए कुछ घट रहा है, फिर a आएगा, फिर a प्लस डी आएगा, इस ऑर्डर में आएगा। तो 10 के सामने वाला एंगल, क्योंकि हमेशा ट्राइंगल में अगर एंगल बड़ा है तो उसके अपोजिट साइड भी क्या होगी, बड़ी होगी। तो यहाँ एंगल बड़ा है तो उसके अपोजिट साइड क्या, 10 ये बड़ा होगा, फिर ये बीच में आ रहा है, तो 9 a के सामने होगा, a माइनस डी x के सामने होगा। अब हमने क्या लगाया, साइन रूल। साइन रूल क्या होता है, साइन ए अपॉन ए बराबर साइन बी अपॉन बी और बराबर साइन सी अपॉन सी, ठीक है, ये आपको साइन रूल है। इस साइन रूल को आप नोट कर लें, इम्पॉर्टेंट है बहुत। ट्राइंगल बताया जाता कि एंगल के साइन मतलब साइन थीटा और उनका साइड अपोजिट साइड का रेशियो हमेशा कांस्टेंट होता है। तो साइन ए का ए से रेशियो, साइन बी का बी से रेशियो, साइन सी का सी से रेशियो, तीनों और रेशियो बराबर होंगे। तो हमने क्या किया, देखिए साइन सी, अभी हमने ये लिया वर्टाइसेस, साइन सी का किससे रेशियो, 10 से, साइन बी तो इसको लिया अभी, साइन बी का किससे, 9 से रेशियो। अब साइन सी अपॉन 10 और साइन बी, तो देखो बी मतलब ए निकाला है, बी मतलब क्या है, बी को मेजर कैसे करें, ए से, और ए की वैल्यू कितनी निकाली, 60, तो हमने यहाँ पे बी की जगह क्या रखा है, 60। तो देखिए साइन सी, अब साइन 60 की वैल्यू √3/2 होती है, तो साइन सी वैल्यू 5√3/9। अब यहाँ पर साइन सी को हम लिख सकते हैं साइन ए प्लस डी, और ए प्लस डी चाहें तो इसको ऐसे लिख सकते हैं 10√3/18, मतलब डबल कर दिया ऊपर नीचे, ठीक है। अब साइन ए प्लस डी को कैसे लगा सकते हैं हम लोग, साइन ए कॉस डी प्लस कॉस ए साइन डी बराबर 10√3/18। अब देखिए अगर साइन ए प्लस डी लिखाया है तो ऐसे साइन ए माइनस डी कर सकते हैं हम लोग, तो आगे साइन ए माइनस डी लिखेंगे, उनको सॉल्व करेंगे, तो आगे वाले स्टेप में थोड़ा सा, बस थोड़ा सा लेंथ जा रहा है, थोड़ा पेशेंस रखिए, आगे वाले स्टेप में पूरा पूरा सोल्यूशन आपके सामने होगा। तो आगे वाले स्टेप को देखते हैं, यहाँ पे साइन सी को ही लिख रहे हैं साइन ए प्लस डी, तो 10√3/18, ये पहले वाले स्टेप में हमने दिखाया था। अब देखिए ऐसे ही जैसे साइन रूल हमने यहाँ लगाया था, वैसे साइन रूल हम लगा रहे हैं साइन ए अपॉन एक्स, यानी मतलब साइन ए अपॉन सामने वाली साइड एक्स और साइन बी अपॉन सामने वाली साइड 9, ठीक है। तो साइन ए अपॉन एक्स और साइन बी अपॉन 9, तो यहाँ पे साइन ए बराबर √3, देखिए साइन 60 है, बी बराबर कितना था, साइन 60, बी बराबर 60 डिग्री निकाला है, तो √3/2, ये एक्स इधर चला गया, तो √3x/18 आ गया। ए की जगह क्या रख सकते हैं हम लोग, ए माइनस डी, इतनी बात क्लियर हो गई। अब देखिए a प्लस डी निकाल लिया, साइन a प्लस डी और साइन a माइनस डी निकाल लिया, साइन a प्लस डी यहाँ से निकाला था जो पहले साइन रूल लगाया था 10√3/18 और साइन a माइनस डी, साइन a माइनस डी का मतलब है देखो a की जगह क्या a माइनस डी रख रहे हैं और c की जगह क्या रख रहे हैं a प्लस डी, इसमें कन्फ्यूजन नहीं होना है, और b की जगह रख रहे हैं a और a का मतलब 60 डिग्री निकाल चुके हैं, ठीक है। तो हमने यहाँ पे देखो साइन a प्लस डी का फॉर्मूला लगाया यहाँ पर और यह साइन a माइनस डी का फॉर्मूला लगाया है, एक बार क्या किया हमने ऐड किया है, तो देखो ऐड करेंगे तो 2 साइन ए कॉस डी आ जाएगा, इसको इस स्टेप को भी ऐड करेंगे, देखिए ध्यान दीजिए ऐड करने पर ये 2 टाइम्स हो जाएगा और इसको ऐड करेंगे तो 18 आपको एलसीएम मिल जाएगा 10√3/√3x। अब यहाँ पे √3 कॉमन ले लिया तो 10+x/18। अब यहाँ पे देखो साइन ए, ए मतलब 60 है तो √3/2, तो 2 से 2 कैंसिल और √3 से √3 कैंसिल, तो कॉस डी की वैल्यू आ गई 10+x/18। अब यहाँ पे देखो साइन डी लिखा है हमने, अभी कैसे होगा ये बताते हैं। अभी एक बार हमने ऐड किया था, एक बार अगर अब ध्यान दें सबट्रैक्ट करें तो ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस होगा, तो ध्यान दें जैसा किया था
ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये भी आ जाएगा 2 cos a sin d बराबर यहाँ पर 10 रूट थ्री माइनस रूट थ्री एक्स। देखो रूट थ्री बाहर आ जाएगा और 10 माइनस एक्स यहाँ आ जाएगा अपॉन 18, क्योंकि यहाँ पे होगा cos 2 cos a, क्या आ जाएगा 2 cos a sin d बराबर रूट थ्री, रूट थ्री कॉमन, 10 माइनस एक्स अपॉन 18 आएगा। अब देखिए 2 cos a cos 60, cos 60 1 बाई 2 होता, सिंपल है 1 बाई 2 यहाँ रखेंगे तो 2 से 2 कैंसिल, तो sin d आ गया, बस cos d और sin d आ गया। अब हमारा काम हो जाएगा, थोड़ा बहुत पेशेंस रखिए, बड़ा क्वेश्चन है तो थोड़ा पेशेंस रखिए। अब क्या करें, ऐसा दे दिया है तो हम क्या कर सकते हैं। चलिए हमने sin d की वैल्यू रखी है, cos d की वैल्यू रखी है, अब हमें क्या करना है, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर 1 आ गया। देखो देखो यहाँ पे पूरे वैल्यू का स्क्वायर किया, यहाँ पर भी इस वैल्यू का स्क्वायर कर दिया, सीधे 18 का स्क्वायर इधर ले गए, इसको यहाँ पे होल स्क्वायर किया है। एक्सप्रेशन को सॉल्व करेंगे मैच कराने के लिए, देखिए आप यहाँ पर इस स्टेप पे आएंगे, क्वाड्रेटिक आपकी बन जाएगी। आपको पता है कि क्वाड्रेटिक के फैक्टर ना हो सीधा चार लगा सकते हैं, इस स्टेप को टैली कर लीजिए, तो जब आप सॉल्व करेंगे तो 5 प्लस माइनस रूट 6 आएगा। आप प्लस लेंगे क्योंकि आपको पता है कि साइड्स हमेशा पॉजिटिव होती हैं, तो 5 रूट 6 आपका आंसर बन जाएगा, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन एक और कंसिडर करते हैं, आज का टॉपिक में 5 क्वेश्चन लिए और फिर हम लोग कंक्लूड कर देंगे। ठीक है, लास्ट में आते हैं, 5 क्वेश्चन को आज कंक्लूड कर रहे हैं। 2004 में निमसेट नहीं यार, जेएनयू 2004 में ट्रिग्नोमेट्री, जिसको आप ट्रिगो बोलते हैं, वह ट्रिग्नोमेट्री वर्ड मुझे अच्छा लगता है, 12 क्वेश्चन आए थे, 12 क्वेश्चन आए थे, हम लोग आज इस वीडियो में 5 क्वेश्चन ले रहे हैं। आगे नेक्स्ट में एनालिसिस करेंगे, तो 2004 के कभी भी आगे एनालिसिस करेंगे तो सारे लास्ट के क्वेश्चन भी हम लोग कंसिडर करेंगे। आज हम लोगों ने मैक्सिमम ट्रिग्नोमेट्री को भी ब्रेक किया है, तो आज ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज और आइडेंटिटीज़ के जो क्वेश्चंस मिले थे वही किए हैं, आगे जाके प्रॉपर्टीज ऑफ ट्राइंगल और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चंस करेंगे। आज का ये लास्ट का क्वेश्चन हम लोग ये ले रहे हैं, थोड़ा सा जस्ट फॉर फन, जैसे हम लोग पहले किया करते थे, क्वेश्चंस पूछते थे और आप ऑप्शंस देते थे। उस समय बहुत सारे स्टूडेंट्स मारुला क्लासेस के चैनल पर एक्टिव नहीं हुआ करते थे, आज बहुत सारे स्टूडेंट एक्टिव हैं, तो आज का वीडियो में अगर जो लास्ट तक गया है, आप इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा जवाब दीजिए, या व्हाट्सअप कर सकते हैं, कमेंट लिख सकते हैं, जैसा भी करिए, एप्रिसिएशंस ही हमारा मिलेगा, प्राइज हम आपको दे नहीं सकते हैं, बस ये है कि हमारी ब्लेसिंग्स उन सारे बच्चों के साथ हैं जो मेहनत कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं। एनालिसिस में आप देखते रहिए, लगे रहिए और हमें जरूर मोटिवेट करते रहिए, कि मेरा मोटिवेशन होना भी भाई जरूरी है, हम आपको ही मोटिवेट करते रहिए। लाइक करें ना करें, सब्सक्राइब करें ना करें, ये हमारा कोई डिमांड नहीं है, आप पढ़ते रहिए, लगातार पढ़ते रहिए, कोई और पढ़ा है उससे भी पढ़ते रहिए, जहां मिले आप पढ़ते रहिए, बस आपको सिलेक्शन लेना है, ये आप तय करेंगे, आपकी दिशा तय करेगी। मारुला क्लासेस अपना प्रयास करती रहती है, करती रहेगी। थैंक यू, नए वीडियो में आएंगे कुछ नए मोटिवेशन के साथ, चलते हैं, बाय बाय।